अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक होंगे जी। आज का जो हमारा लुक है बहुत ही प्रेटी सा सॉफ्ट पिंक लुक है, जो कि अक्सर गर्ल्स की डिमांड होती है। बहुत ही फेवरेट कलर है ये, और इसके साथ हमने जो आईलाइनर का कॉम्बिनेशन किया है वो है जी ब्लू कलर में। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा वॉच करना है, इन तक देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि ये प्रेटी सा लुक जो है मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाई स्टेप कम्प्लीटली शेयर कर सकूँ। तो चलिए जी, टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि सबसे हमने जो डार्क शेड है ना इस पैलेट में, मैरून सी शेड है, इसको लेंगे और अप्लाई करेंगे अपनी क्रीज लाइन पे। अच्छी तरह से अपनी क्रीज को करेंगे कंटूर, और ब्रश हमें बहुत ही फ्लफी सा चाहिए जिससे बहुत ही स्मूथ सी ब्लेंडिंग और बहुत ही नीट सा लुक आए। तो अच्छी तरह से हमने अपनी क्रीज को कंटूर ऑलमोस्ट कर लिया है। दोनों आइज को हम इसी तरह से कंटूर करेंगे, और ब्लेंडिंग आप लोगों ने देख सकते हैं कि किस तरह मैं ब्रश को राउंड राउंड जो है मूव कर रही हूँ। उसके बाद जी हमने क्या करना है, पिंक ये क्रीमी शेड है, बहुत ही लाइट पिंक है, इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने आई लिड पे विद हेल्प ऑफ फिंगर, क्योंकि क्रीमी शेड है तो इसको मैं फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकती हूँ। उसके अलावा बहुत ही फ्लैट ब्रश जो होता है उसकी हेल्प से भी ये अप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट क्या करना है जी, सेम इसी शेड में पिंक शिमरी शेड है, और इसको मैं अप्लाई करूँगी विद हेल्प ऑफ फिंगर। एप्लीकेशन इस तरह से हमने करनी है कि अच्छी तरह से इस क्रीमी शेड के ऊपर फिक्स हो जाए, और हमने इसको ब्रश की हेल्प से अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद जी हमने जो क्रीज लाइन पे एप्लीकेशन की हुई है शेड की, उसको थोड़ा सा नीट कर लिया। अगेन लोअर लाइन पे बहुत ही लाइट पिंक शेड है, इसको मैं अप्लाई करूँगी जस्ट अपने लुक को नीट करने के लिए। उसके बाद क्या करना है जी, लाइनर अप्लाई करना है। लाइनर होगा हमारा विंग शेप में, बहुत ही थिन शेप में हमने अप्लाई करना है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद हमने आउटर कॉर्नर में इसको अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमारा एक बहुत ही प्रीटी सा, बहुत ही थिन सा विंग बन जाएगा। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद नीट कर लेना है जी। पहले आप लोग जब भी लाइनर अप्लाई करते हैं बहुत ही लाइट सा अप्लाई किया करें, ताकि थोड़ा सा रफ भी हो जाए तो आप उसको नीट कर सकें। उसके बाद आप लोग इसको डार्क किया करें। आफ्टर दैट जी हमने अपने लैशेस को करना है कर्ल अच्छी तरह से मस्कारा करने के लिए, और लोअर लैशेस को भी जी इसी तरह से हमने अच्छी तरह से मस्कारा कर लेना है। लेकिन इससे पहले हमने क्या करना है जी, वाटर लाइन पे वाइट पेंसिल अप्लाई करनी है। आप लोग चाहें तो ब्लैक भी कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो इस तरह का लुक होता है ना कैट आइज, इनमें हम वाटर लाइन पे न्यूड शेड से अप्लाई करते हैं जी। अब हम करेंगे लोअर लैशेस को अच्छी तरह से मस्कारा। उसके बाद हमने लैशेज इस तरह से अप्लाई करनी है आउटर कॉर्नर में, जस्ट हमने अपर लाइन पीस की एप्लीकेशन नहीं करनी है, सेंटर में या इनर साइड पे, जस्ट आउटर कॉर्नर वाली साइड पे एंड पे लाइन के, ठीक है जी। तो फिर आप लोगों का ये लुक आएगा जी। लुक हो गया हमारा डन, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आप लोगों को ये लुक कैसा लगा। और जी जो चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना न्यू एंड ट्रेंडी लुक्स के लिए, जो भी न्यू वीडियोस आए वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। इसके साथ जी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।